पहले किराया मिलता था जी, अब किराया नहीं दे रहे। सम्मान करना है ना भाई साहब। तो आज सुंदरपुरा में पहुंचे और जोरदार स्वागत किया गया है रामनिवास सुरजाखेड़ा का। तो यहाँ पर देख सकते हैं माताएं बहनें हैं, महिलाएं जो यहाँ पर बैठी हुई है स्वागत किया। मैं अपने विधायक रामनिवासी सुरजाखेड़ा जी का आने पर तहे दिल से सभी ग्रामवासी इनका धन्यवाद करते हैं और आशा भी करते हैं कि विधायक जी से हमारी कुछ मांगे हैं इनको पूरा कराया जाए। धन्यवाद शर्मा साहब, विधायक जी के साथ मिलकर गांव का विकास किया जाएगा ऐसी आप आशा रखते हैं? ऐसी हमारी उम्मीद है विधायक जी से कि हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है शर्मा साहब। रामशाला में एक मतलब जिम हाल की व्यवस्था कराई जाए, इसके लिए बहुत ही मतलब युवाओं को जरूरत है एक जिम हाल की, और कुछ एक महिला कम्युनिटी सेंटर मतलब जो हाल है उसकी डिमांड हमारी भाई, महिलाएं कोई भी सत्संग वगैरह करती हैं उसके लिए एक हाल दिया जाए, और एक मांग हमारी उचाणा इसकी नरवाणा तहसील के बारे में है जो विधायक जी से पहले भी अवगत कराया गया था, और अब भी हमारी मुख्य मांग तो यही है कि हमारी तहसील उचाणा की बजाय नरवाणा करी जाए और ब्लॉक भी हमारा नरवाणा किया जाए। और दूसरी एक और मांग है कि हमारी बोलन देती है जो है वो खेवट में क्या है कि जब भी वो कोई फर्द निकलवाते हैं तो उससे मतलब बड़ी लंबी लिस्ट निकलती है, कम से कम भी 3-4 हज़ार रुपए लगते हैं और सारा गांव इस चीज से वाकई में परेशान है। मतलब है कि खेवट हमारी तुड़वाई जाए, इसका हम आश्वासन चाहते हैं विधायक जी से कि हमारे 2-4 काम मैन से काम है ये करवाए जाए, और बाकी और गली नाले है ये तो अपना आप चलते रहे। मेन तो समस्या ये है हमारी जिम हाल की है, और एक ये इसकी लाइब्रेरी के लिए बिल्डिंग की जगह है हमारे पास, वो लाइब्रेरी दी जाए तो और भी दी बेस्ट है। सांझी खेवटा सारे की सारे सारे की सारे जितने भी लिया उसमें बहुत खर्चा आवे, ये भी मैं अपने विधानसभा में रुडी साहब से बात करके ना इसका भी समाधान करवाऊंगे, इनका यो अलग खेवट करे इनका। हाँ जी भी तो इनकी नहीं तो बहुत को बताना चाहूंगा, सुंदरपुरा में एक तो बोरल हुआ 6 लाख का, दूसरा है सुंदरपुरा में ओपन जिम के लिए 5 लाख रुपये दे रखे हैं बच्चों का तरह, वो मतलब टेंडर हो लिया उनका, इसकी एक्शन की ट्रांसफर हो गई थी, प्रमोशन हो गई थी, प्रमोशन हो गया बन गया वो एक्शन नया आया, इसका भी मेरे ख्याल हफ्ता 10 दिन में बच्चों के लिए 5 लाख के जिम भी आएंगे। एक कुमार आएंगे चौपाल 11 लाख रुपये, वो भी अंडर प्रोसेस में है, पैसे इसकी फाइल आ ली उसका टेंडर लग का उसका भी हो जाएगा। एक है वाल्मीकि का चौपाल 11 लाख, उसके भी टाइम उसके भी पैसे मंजूर हो कर लिए उसका टेंडर लगेगा। और एक है राजेश पुत्र रघुवीर के खेत से रमेश पुत्र दिलीप सिंह के खेत तक गमी का निर्माण, ये भी पास हो कर ली, तो कुछ तो ये काम है ये। और जो 2-3 जो मैन काम बताए हैं आपने ये दोनों मेरे अंडर प्रोसेस में, पानी का भी शुरू हो रहा पानी का काम के लिए, और जो तहसील में नरवाना में उसकी भी फाइल गई है आपकी, ठीक है जी। और रही बात खेवट की मैं डीसी साहब से बात करके बस का जो इसका इनका खेवट इनका अलग कराया जाए ताकि 4-5 हज़ार रुपये अगर जरूरत पड़े तो किसान जमींदार ने कोई खर्चा ना पड़े उसकी, अपना कम पैसे में जो सरकारी फीस लागत जो नॉर्मल उसकी हक उसकी फर्द निकल जाए। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं जी। हाँ और एक ये नाला की मैं बताता हूँ जो निकासी होनी चाहिए पानी की, स्टार्टिंग में फ्लड आया था 1988 में जी, जब खाड़ा बना था वो डैम के मारू बैठे हैं जी, वहाँ पर पानी पहुँच ही नहीं रहा जी 1988 के बाद में खाड़ा, और लोग उसका कच्चा पक्का जो भी मटेरियल था उठा के ले गए,
उसकी फाइल भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने तैयार करके ने उनका FIR लॉज करवाई थी। उसके बाद में वो बिल्कुल मारू पड़ा है जी, वो सारा एरिया कोई इरीगेटेड नहीं जी, पानी भी नीचे के हैं, पानी नमकीन पानी है जी। ये जो आपने दिया ना खेतों का रास्ता ब्लॉक पक्के करवाने का, ये कितने किले कितने एकड़ कितने किले का रास्ता है? मैक्सिमम 20 किले का रास्ता है जी। 20 का है जी, लाल रंग का है पक्का? लाल रंग का है जी। इसकी फर्द रजिस्टर्ड है, इसकी फर्द निकलवा कर और अप्लीकेशन लिखवा कर सरपंच रेजोल्यूशन डाल कर आप मना दो उसकी, ठीक है जी? ठीक है जी। और एक और बताऊँ मैं आपको, एक विधायक को 5 साल में 25 किलोमीटर के तो मैंने रास्ते पास करवा के ले आती, उनके टेंडर लग रहे पूरा हल्का के लग रहा, उसके बावजूद 95 किलोमीटर के ब्लॉक आगे माननीय मुख्यमंत्री CM साहब पे और मंजूर करा के ले आऊंगा खेतों के जमींदारों के पास, खेत जो कच्चे गमे हैं वो पक्के हो जाए ताकि बरसात मौर में किसी में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ये अप्लीकेशन आपने मेरे को आज दी है, पहले ध्यान दे दी है अप्रूव का एलन इसकी, लेकिन इसकी भी मुख्यमंत्री से करवा के ले आऊँगा मैं। इसका जो रेजुलेशन डाल के सरपंच साहब एक कापी और इसका सीजरा कापी ये मेरे को दफ्तर में पहुँचा दोस्ती इसके पास, ठीक है? और ये बात जिम की, जिम का भी मैं करवाऊंगा। बड़े बड़े यहाँ पर भी गलती हो जाए। अब सुनो, अब मेरी सुनो बात, जो बात रही मनरेगा की, इधर सुनो दूर है, मनरेगा के मजदूरों के लिए मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, मैं अगर कोई काम धंधा कर दे मनरेगा के मजदूरों को, मैं गरीब तबका के हैं सारे, अगर कोई दिक्कत हो जाए उसको 10 लाख रुपए मुआवजा दे सरकार, और वे भगवान ना करे कोई हादसा हो जाए, भाई कोई जहरी जी वो कोई नुकसान पहुंचा दे, वह कम से कम उस मजदूर का अगर कोई नुकसान हो अगर के लिए आर्थिक सहायता के लिए 50 लाख रुपए देने चाहिए। तो मनरेगा के लिए मैंने बहुत सही बात गांव में जितनी भी थी मेट की मिला, मैं करके सरपंच साहब से करके मैं फिर करवाऊंगा, और जितनी भी मांग थी सारी की सारी मांग सारी प्रोसेस में है, ठीक है जी? और आज बिठा रखी है काम कर रहे एक एक रख लो, ये मौका ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और ले ले फोटो ले भाई, इस काम के लिए हम बड़ा विधायक जी बहुत और आप बहुत धन्यवाद कोई वो नहीं है जी। तो आप देख सकते हैं सुंदरपुरा में पहुंचे नरवाना के विधायक, बाबा साहब की यहाँ पर एक स्थल है वहाँ पर पहुँचे हैं बाबा साहब, हमारा ठीक है जी। और टाइम में इनको भारी मतों से विजय बनाकर आगे मंत्री पद की ओर ले जाया था, सरपंच साहब जी, श्री राजेश फौजी जी, मास्टर पृथ्वी सिंह जी, श्री धर्मवीर जी, श्री अमन जी, श्री अजय सिंह जी, और हमारे राजपाल जी, और यहाँ रामनिवास नैन खड़वाड़ से जो यहाँ की बैंड जी भी हैं तो पीछे बैठे ले ले बिल्कुल पूरे लड़ ले उड़े लिए, तो और बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी और भाई और मेरी माता और बहन, जो आज गांव की तरफ से ये जो सामूहिक एक मांग पत्र दिया है सरपंच साहब ने जनरल चौपाल, और एक इसमें है महिला सत्संग भवन, तो जो जनरल चौपाल है उसके लिए पहले बनी हुई है, किस तरह है? है नहीं जगह है उसकी? जगह है नहीं। कितने जगह है जी? 400-500 गज है, ठीक है जी। जनरल चौपाल का करेंगे और महिला सत्संग में उनके थोड़ा हाँ एक आप आओ थोड़ा जो महिलाओं के लिए उनके लिए भी जगह है जी। कितनी है जी? 300-400 गज, ठीक है।
इन दोनों का अपनों का एस्टिमेट और एज बेस पाल का मैंने देवो इनके ताकि इनका कराओगे ठीक है। और दो बात और बताई थी दो तीन आपने वहाँ में प्रोग्राम में भी और यहाँ भी अभी बताई आपने, एक तो संजा केवट की केवट ठीक कराएंगे और एक गांव दोनों सुंदरपुर और इसको बड़नपुर को तहसील नरवाना की थी तो वो भी इसमें पहले भी एफसीआर के पास फाइल गई है, दोबारा में मुख्यमंत्री से फिर अपील करूंगा मैंने पूरा ला रखा है लेकिन मैं सार्वजनिक गांव में उसका नाम नहीं लेंगे हमें ठीक है जी बढ़िया इसमें कर्म लाग रहे हैं लेकिन ये अच्छी बात है जिस काम में सारा काम ना फायदा होता हो तो उनकी बल्कि गल्ला ला के काम करवाना चाहिए वे काम का है चलो वे ठीक अच्छी बात है जब जनता परेशान है तो फिर फायदा नहीं होता जब जनता के जनता उसके समस्याओं का समाधान करने के लिए बनाती है। हाँ तो नरवाना की मुझे दोनों काम की मांग है दोनों को मैंने एफसीआर से फाइल बनवा के भिजवा दी थी। विनय सिंह थे यहाँ के कमिश्नर हिसार हैं और डॉक्टर आदित्य सिंह थे डीसी जी और एसडीएम थे यहाँ इसके संजय विष्णु इनके द्वारा फाइल भिजवाई हुई थी और दूसरी बात यह विधानसभा में पूरे हरियाणा में से जितने भी एमएलए मंत्री हैं किसी ने कोई मतलब नहीं मनरेगा मजदूर आता है मन हम तेन रिक्वेस्ट करी कि मनरेगा के जो मजदूर हैं सारे गरीब तबका के 36 राज्यों को भी जो गरीब ना सारे काम कर अपना पेट भरो ठीक है लेकिन ये आपके लीडर ने बतानी चाहिए क्योंकि आप लोगों ने मेरा करा पहले किलोमीटर से आगे करते जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।